Now the next topic is types of expressions. So generally there are two types of expressions, SOP and POS. SOP is sum of product terms and POS is product of sum terms. For example, AB plus BC plus AC. This expression we can see पहले हमने मल्टीप्लाई किया है फिर हमने ऐड किया है सो व्हाट इज दिस सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स सो दिस इज एस ओ पी सो एग्जांपल ऑफ पी ओ एस विल बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हमने प्लस किया है देन वी आर मल्टीप्लाइंग सो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट ऑफ sum terms. First we are doing sum, then we are doing product. So this is POS form. So another thing is how we represent SOPs. We use sigma for SOP and pi for POS. For SOP the terms are called min terms and for POS terms are called max terms. So SOP, sum of product terms, POS, product of sum terms. So we can see that AB plus BC plus AC. So here we can see first we are multiplying, then we are adding. So this is sum of product terms. First product, sum of product terms. Next is product of sum terms. So first we are adding, then we are multiplying. So this is POS form. Now coming to main term. So main term, SOP expression mein, जब सारे टाइप्स के वेरिएबल्स यूज़ हो जाते हैं या अकर करते हैं तो जो टर्म फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन टर्म फॉर एग्जांपल ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार दिस इज द एसओपी एक्सप्रेशन इन विच वी आर डूइंग फर्स्ट मल्टीप्लाइंग देन वी आर एडिंग सो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और हर टर्म में we can see that both the variables are present either in the complement form or in the normal form here both are in normal form here one is in complement and other is in normal here one is in normal and other is in complement so this term is known as min term this is also known as min term so when all types of variables are present then that term is known as min term expression min term and when a boolean expression is formed by min terms then that expression is known as min term expression so we can see that all of them are min terms so we can call them as min term expression तो min term expression को हम लोग एक और name से बोलते हैं which is known as canonical SOP canonical sum of product terms so canonical sum of product terms हमारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट यू हैव टू कन्वर्ट अस बूलियन एक्सप्रेशन टू इट्स कैनोनिकल एसओपी फॉर्म सो इन दैट कैनोनिकल एसओपी फॉर्म व्हाट यू हैव टू डू इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग यू हैव टू सो मिन टर्म में जो वन होता है वो होता है हमारा नॉर्मल फॉर्म और जो जीरो होता है वो होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट फॉर्म For example, like AB, A bar B and AB bar. So we can write AB as 1, 1 and A bar B as 0, 1 and AB bar as 1, 0. So this will be the minterm designation. This will be the minterm designation of AB, A bar B and AB bar. So 1 is normal form and 0 is complement form. So the next question is which came in ISA is canonical SOP. तो आपको एक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना होता है उसके कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस ए प्लस बी सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल एसओपी फॉर्म वी कैन सी दैट हियर ए इज अलोन एंड बी इज ऑल्सो अलोन सो दिस इज नॉट अ मिन टर्म सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस ए एंड बी इनटू मिन टर्म सो व्हाट वी विल मल्टीप्लाई वन विद ईच टर्म
So by properties of one, a dot one will be same as a and b dot one will be same as b. जब हम लोग a में वन का मल्टीप्लाई करते हैं और b में वन का मल्टीप्लाई करते हैं, सो देर विल बी नो चेंज बाय प्रॉपर्टीज ऑफ व्हेन वी मल्टीप्लाई वन टू एनी टर्म, इट विल रिमेन सेम. जब हम a का मल्टीप्लाई करते हैं वन के साथ, जब a क्यूब का मल्टीप्लाई करते हैं वन के साथ, तो हमें रिजल्ट में भी a मिलता है बाय प्रॉपर्टीज ऑफ वन, इट विल रिमेन सेम. बट रिमेंबर व्हेन वी एड वन टू एनी वेरिएबल इट विल बिकम वन. तो हमने यहाँ तक कर लिया, ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम वन का और बी से मल्टीप्लाई करेंगे वन का. सो एज वी नो दैट ए प्लस ए बार इक्वल्स टू वन, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. यहाँ पे बी मिसिंग है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं वन को, यहाँ बी मिसिंग है तो बी प्लस बी बार, या वी कैन सी ए इज मिसिंग, सो वी कैन राइट इट एज ए प्लस ए बार. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई ए बी, ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी, ये हमें मिल गया है. अब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो वी विल एलिमिनेट द कॉमन टर्म्स, ए बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी. दिस एक्सप्रेशन इज द कैनोनिकल एस ओ पी ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कैनोनिकल एस ओ पी ऑफ दिस एक्सप्रेशन. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. Now we will do with three variables. So here we can see a plus bc. What is the first step? We have to multiply with 1. So a dot 1 plus bc dot 1. यहाँ पे a के पास b भी नहीं है, c भी नहीं है. So what we will do? Multiply with b dot b bar, b plus b bar and c plus c bar plus bc. Here a is not there. So a plus a bar. Now we will multiply. A B plus A B bar C plus C bar plus A B C plus A bar B C A B C plus A B C bar A B bar C plus A B bar C bar plus A B C plus A bar B C. तो अब हम लोग इसमें से कॉमन टर्म्स हटा देंगे, रिपीट नहीं करना है. ए बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार. सो दिस विल बी द कैनोनिकल एस ओ पी फॉर्म. यहाँ पे हम देख सकते हैं हर टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, सो वी कैन कॉल ईच टर्म एज मिन टर्म एंड दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज मिन टर्म एक्सप्रेशन. So in your exam, it can be asked in two ways, like convert it into minterm expression, this term to its minterm expression, or this term into its canonical SOP form. So this will be the desired answer. Now coming to minterm designation. So minterm designation is generally representation of this these term minterms into its binary term, binary value. So let's take this example ABC. A B C bar, A B bar C, A bar B C, A B bar C bar. So as we know that in min term, one is normal form and zero is complement form. So A is normal, B is normal, C is normal. So 1, 1, 1. Here we can see A B is normal, C is complement. So 1, 1, 0. Here A B bar C. So B is complement, so 1 0 1, and A bar B C can be written as 0 1 1, and A B bar C bar can be written as 1 0 0. In decimal value, these can be written as 1 1 1 can be written as 7, 1 1 0 can be written as 6, 1 0 1 can be written as 5, 0 1 1 can be written as 3, and 1 0 0 can be written as 4. So this 7, we can write it as M7, M6, M5, M3, M4. तो मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था. सो दिस इज हाउ कैन वी रिप्रेजेंट मिन टर्म. सो मिन टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम. सो M7, M6, M5, M3, M4. सो दिस इज द मिन टर्म डेसिग्नेशन. दिस इज द मिन टर्म डेसिग्नेशन M7, M6, M5, M3, M4. दिस इज बाइनरी डेसिग्नेशन, बाइनरी पैटर्न, एंड दिस इज डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी पैटर्न, एंड दिस इज मिन टर्म डेसिग्नेशन. सो दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन
your exams, like write the midterm designation. So you have to first convert it into its binary form. One is normal and zero is complement. And then you have to write the decimal equivalent. And then you have, and then you can write if it is 7, M7, M6, M5, M3, M4, and so on. This is the following midterm expression. So now, cardinal form of midterm expression. So cardinal form of midterm expression. Cardinal form of midterm expression is generally expressing the midterm in form of numbers. यहाँ पे हम लोगों ने इसको वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म था. जब हम इसको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देन दिस विल बी कार्डिनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू राइट एफ एंड ऑल द वेरिएबल्स विच आर यूज, सो ए कॉमा बी कॉमा सी. I have told you earlier that the midterms are expressed by sigma, and here you will write midterm designations. Midterm designation. So this is general way how you can represent cardinal form of expressing. So you, here you have to write the number of variables. You are using A, B, C. So let us take an example to understand this. So we will convert this canonical SOP form to its cardinal form. So for converting this, what you have to write, so variables you are using, so three variables A, B, C and sigma, midterm designation. So here are the midterm designation M3, M4, M5, M6, M7. So we will write it as M3. So it can be written as M3, M4, M5, M6, M7. So it can be written, finally we can write it as A, B, C can be written as sigma 3, 4, 5, 6, 7. So this is the cardinal form of expression. This is the cardinal form of expression. So SOP form में आपको canonical SOP form में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक term missing है तो उसको आप complement form मल्टीप्लाई वन के साथ करके आप उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद आप उसमें से कॉमन टर्म्स हटा देंगे तो उसके बाद जो हमें मिलेगा जिसमें कि हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, तीन वेरिएबल्स हैं, तो हर एक टर्म में तीन वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए आइदर इन इट्स नॉर्मल फॉर्म और इन इट्स कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. सो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म और मिनटर्म एक्सप्रेशन. सो नेक्स्ट इज how can you convert this to midterm, how can you derive the midterm designation. So for that first you have to write the binary pattern, one is normal and zero is complement. So after that you have to write a decimal equivalent, so this is decimal equivalent, and after that midterm designation, after that cardinal form of expression. Cardinal form of expression can be written by, here you have to write the variables you are using, then sigma, then midterm designation, so f of abc m3 m4 m5 m6 m7. So finally you can write its cardinal form is f of abc equals to sigma 3 4 5 6 7. So the cardinal form of this SOP is f of abc 3 4 5 6 7. So in my next video we will be discussing about product of sum and max terms.